हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड राज्य के खूबसूरत रांची शहर में घूमने के 10 सबसे अच्छे जगहों के बारे में, रांची टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। और दोस्तों साथ ही में रांची झारखंड राज्य की राजधानी भी है और रांची में घूमने के कई सारे अच्छे जगह मौजूद हैं। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे इस लिस्ट के नंबर 10 पर है स्टेट म्यूजियम। ये रांची में मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है। और अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो ये म्यूजियम सुबह के 10:30 से शाम के 4:30 बजे तक ओपन रहता है। और इस म्यूजियम के अंदर भारतीय कल्चर को दर्शाया गया है। दोस्तों इस म्यूजियम को 10 सितंबर 2009 को लोगों के लिए ओपन किया गया था और ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नंबर 9 कनकी डैम। ये रांची में स्थित एक बहुत ही अच्छी डैम है और ये रांची रेलवे स्टेशन से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ में आ करके एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का 100-200 रुपये लगते हैं। यहाँ पर इवनिंग के टाइम में ब्यूटीफुल सनसेट भी देख सकते हैं। और ये डैम सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक लोगों के लिए ओपन रहता है। नंबर 8 हुंडरू वाटरफॉल। ये रांची शहर से लगभग 44 किलोमीटर की डिस्टेंस में है और ये इंडिया का 24th हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर यानी 322 फीट है और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप इस वाटरफॉल को देखने जाना चाहें तो जा सकते हैं। नंबर 7 भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। दोस्तों ये रांची के ओरमंजी में चकला विलेज में स्थित है और ये जू सुबह के 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक ओपन रहता है। और भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क को रांची जू भी कहते हैं। और दोस्तों इस जू को 1994 में लोगों के लिए ओपन किया गया था और यहाँ पर आपको कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। नंबर 6 जोन्हा फॉल्स। ये रांची से लगभग 39 किलोमीटर की डिस्टेंस में है और यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइम है सुबह के 8 से शाम के 5:30 बजे तक। और दोस्तों जोन्हा फॉल्स को गौतम धारा फॉल्स भी कहते हैं। ये प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और ये रांची में काफी अच्छी घूमने की जगह है। नंबर 5 पर है टैगोर हिल। यहाँ से पूरे रांची शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है और इसे मुराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ये 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित बहुत ही प्रचलित पर्यटक आकर्षण केंद्र है और इसका इतिहास भी काफी पुराना रह चुका है। टैगोर हिल को रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है और ये बहुत ही अच्छी जगह है। नंबर 4 जगन्नाथ टेम्पल। दोस्तों ये रांची के जगन्नाथपुर में स्थित है और अगर टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर सुबह के 5:30 से शाम के 5 बजे तक जा सकते हैं। रांची का ये जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी का है। ये मंदिर 1691 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और दोस्तों ये रांची में बहुत ही प्रचलित मंदिर है। दोस्तों नंबर 3 पर है पहाड़ी टेम्पल। दोस्तों ये मंदिर रांची शहर में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ बहुत ही प्रचलित हिंदू मंदिर है और आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना होगा। और इस मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर सुबह के 4:30 से रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। और दोस्तों ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी को और इस मंदिर में हर दिन काफी सारे श्रद्धालु आते हैं, तो आप रांची जाएं तो इस मंदिर में जाना ना भूलें। नंबर 2 पतरातू वैली। दोस्तों ये एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। ये रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। ये अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और दोस्तों यहाँ के सड़क घुमावदार हैं, जिन्हें देखने यहाँ टूरिस्ट काफी आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 1 की ओर। और दोस्तों हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर है दशम फॉल्स। दोस्तों दशम फॉल्स रांची में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों ये प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ है और यहाँ पर पानी 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है और ये वाटरफॉल पर्यटकों को अपनी ओर बहुत ही आकर्षित करता है।
दोस्तों आप रांची जाएं तो इस वाटरफॉल को देखने जाना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।